बेटा आज हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन में एक ही डिफरेंस है, क्या है? प्रिपेयर करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में वो कंपाउंड बनाना होता है, और अब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तो रिएक्टेंट के अंदर हम कंपाउंड लेंगे। और कौन सा कंपाउंड की कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? नाइट्रो कंपाउंड मीन्स जो भी कार्बन की चेन होगी उसके साथ NO2 लगाना है, और प्रोडक्ट क्या प्रिपेयर होगा ये देखते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बाय रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमाइन्स। अमाइन्स कौन सा ग्रुप होता है बेटा? NH2। प्राइमरी कौन से होते हैं? NH2 के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ अगर एक ही आर ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो क्या हो गया? प्राइमरी अमाइन्स। तो रिडक्शन से हम प्राइमरी अमाइन्स ऑब्टेन करेंगे। कैसे? एग्जांपल देखिए, यहाँ पे RNO2 कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले रखा है, यहाँ पे CH3 होता, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन ले सकते थे। रिडक्शन करेंगे तो क्या लिया जाएगा? हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के ले लिए। अब रिलीज क्या हो रहा है यहाँ से? H2O, ठीक है ना? H2 रिलीज होगा, मींस ये दोनों H और यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से एक ऑक्सीजन निकल गई तो क्या रह गया बेटा? एक ऑक्सीजन मींस RNO। क्या रह गया हमारे पास? RNO। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है? फिर से रिडक्शन हो रहा है, दो हाइड्रोजन के आइटम ले लिए, ठीक है? दो हाइड्रोजन के एटम ले ले, क्या यहाँ से कुछ रिमूव हो रहा है? कुछ रिमूव नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास R था, R, ठीक है, N, N, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, H, दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं हो रहा। तो R, NHOH, ये NHOH जो है, OH कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। फिर से रिडक्शन करेंगे, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिए, यहाँ हम रिमूव करेंगे किसको? H2O को, मींस ये H2O निकल गया, निकाल दिया इसको, रह क्या गया हमारे पास? R, N और ये दो एच, यहाँ से RNH2 प्रिपेयर क्या हो गया? प्राइमरी अमाइन्स किससे प्रिपेयर हुआ है? नाइट्रो कंपाउंड कंपाउंड से। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोलाइसिस, मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए अब हाइड्रोलाइसिस से हम कौन कौन से, एक तो हम करेंगे प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स हाइड्रोलाइसिस। जब टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स लिया जाता है उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं होंगे। प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट किए जाएंगे? बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या फिर 85% एस्ट्रेसोफोर सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, किसमें जाएंगे? हाइड्रोलाइसिस में टू फॉर्म ए, क्या बन रहा है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइल अमाइन, दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, एक तो एसिड निकलेगा और दूसरा हाइड्रोक्साइल अमाइन। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स लेना है, NO2 के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कितने कार्बन होंगे? एक कार्बन होगा, प्राइमरी हो गया। प्रेजेंस किसके है? या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वो जो डालेंगे इसमें हीट किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से N है, कार्बन भी है ना, ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है NO2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, लगाते हैं इसी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी, दोनों हाइड्रोजन निकल गए, ये तो जो दो हाइड्रोजन है ये किसके साथ लग जाएंगे? यहाँ पे एच और एच, NO2 में दो ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई और दूसरी यहाँ पे, क्या बन गया आपका? RCONHOH। फिर से HCl डाल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ से एल है, आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, सी ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ना हमें, तो ये ओ
OH लग जाएगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे NH को, ठीक है। RCOOH, RCOOH कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस में क्या निकल गया, देखिए क्या बचा हुआ है, N निकल गया, H एक H यहां से, दूसरा H यहां से ले लेंगे, ये रहा, ठीक है ना, NH2 हो गया। और क्या बच गया यहाँ पे, OH, NH2OH, साथ में क्या बचा हुआ है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो ये क्या निकल गया, साल्ट निकलेगा, हाइड्रोक्साइल अमाइन, कौन सा साल्ट निकल रहा है, हाइड्रोक्साइल अमाइन क्लोराइड। ये तो था प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, सब लिया जाएगा, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड सब लेंगे तो क्या निकल रहा है, गिव ए कीटोन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस होती है, कीटोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड लेंगे, सेकेंडरी लेंगे। अब ये NO2 के साथ कितने कार्बन अटैच होंगे, इस कार्बन के साथ दो कार्बन, जिस कार्बन के साथ NO2 अटैच है उसके साथ डायरेक्टली दो कार्बन है, कौन सा हुआ भाई, सेकेंडरी। यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं क्योंकि लास्ट में हमें नाइट्रस ऑक्साइड निकालना है N2O, तो यहाँ अगर सिंगल लेते तो एक ही नाइट्रो से निकलता, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, बॉइलिंग एसिड लेंगे, तो देखिए क्या है यहाँ पे, CCH3CH3 सेम है, CCH3CH3, यहाँ इसको निकाल देंगे, नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को, ठीक है ना, बच क्या गया हमारे पास, एक ऑक्सीजन, तो C डबल बॉन्ड O R कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, कार्बन कितने हैं, तीन है, प्रोपेनोन और क्या बच गया है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, दो नाइट्रोजन निकल गए और ऑक्सीजन निकल गया N2O।